आपने देखा होगा कि जब से मीडिया और आईटी लॉ स्ट्रिक्ट हुए हैं, तब से कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेस और इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स को कोर्ट के चक्कर काटते हुए देखा गया है। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस फंडामेंटल राइट को लेकर हमेशा डाइसी दिखे हैं। कभी वो कंसर्न्ड होते हैं कि क्यों मीडिया या सोशल मीडिया में कहीं हर बात को कोर्ट तक लाया जाता है, और कभी उन्हें मीडिया या इंटरनेट में चलने वाली फ्री स्पीच को गवर्न करने के लिए कहते हुए देखा जाता है। जो भी हो, वक्त वक्त पर हमने इंडियन कोर्ट्स को इस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केसेस में सतर्क और फास्ट एक्ट करते हुए देखा है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 लोकसभा इलेक्शंस आने ही वाले हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने कैंपेन्स करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में जायज सी बात है कि मीडिया हाउसेस, जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स, यहाँ तक कि आम जनता भी होने वाले इलेक्शंस और पार्टीज पर अपने व्यूज तो रखेंगी ही, पर क्या हो जब उनके कहे शब्दों को पकड़ा जाए और कोर्ट तक ले जाया जाए? क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ही दूसरे पर कुछ रिमार्क्स पास कर सकती है? क्या ये कॉमन मैन या हमारे देश की फोर्थ पिलर यानी कि मीडिया का हक नहीं कि वो अपने व्यूज को भी खुलकर रख पाए? दरअसल हमारे इन सवालों को पूछने के पीछे का रीजन एक केस से जुड़ा है। ये केस 2021 में एक यूट्यूबर के अगेंस्ट फाइल किया गया था, जिसमें दुरई मुर्गन नाम के एक यूट्यूबर को पुलिस ने अरेस्ट किया था फॉर एलिजली मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर्स। हालांकि बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने उसे बेल ग्रांट कर दी इस कंडीशन पर कि वो किसी के अगेंस्ट ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स पास नहीं करेंगे, पर इस ऑर्डर ने स्टेट गवर्नमेंट को शायद खुश नहीं किया और उनकी बेल को कैंसिल करवाने के लिए फिर से हाईकोर्ट गई इस ग्राउंड पर कि एफिडेविट फाइल करने के बाद भी एक्यूज्ड चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन के अगेंस्ट डेरोगेटरी रिमार्क्स पास कर रहे हैं। अब आप सोचिए इसके बाद क्या हुआ होगा और क्यों सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पर इतना कंसर्न दिखा कि वो ये कहने पर मजबूर हो गया कि इमेजिन करिए अगर हम यूट्यूब पर क्लेम करने वाले हर इंसान को जेल में डालते रहेंगे तो वहाँ कितने लोग हो जाएंगे। तो आपको बता दूं कि यूट्यूबर को बेल मिलने के बाद स्टेट गवर्नमेंट जब फिर से हाईकोर्ट गई थी तो बेंच ऑफ जस्टिस बी पुगलंदी ने नोट किया कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को ये नोट करना चाहिए कि उनके प्लेटफॉर्म में अपलोड हो रहा कंटेंट पॉलिसी से कंप्लाई करे। अगर इंटरमीडियरीज ऐसे कंटेंट को रिमूव नहीं करती जब ऑफेंसिव कंटेंट उनके नोटिस में लाया जाता है तो अथॉरिटीज ऐसी इंटरमीडियरीज को भी बुक करे। यही ऑब्जर्वेशन देते हुए और स्टेट गवर्नमेंट के सबमिशन सुनने के बाद बेंच ने यूट्यूबर दुरई मुर्गन को दी गई बेल को कैंसिल कर दिया। इसी ऑर्डर से डिसअपॉइंटेड दुरई मुर्गन सताई भी मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपना हाल सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि कैसे मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी अंडरटेकिंग देने के बावजूद उनकी बेल को कैंसिल कर दिया था। हियरिंग के दौरान स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट होते हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सताई के अगेंस्ट फाइल की गई दो एफआईआर को पॉइंट आउट किया, विच वर फाइल्ड इन दिसंबर 2022 एंड मार्च 2023। एक एफआईआर बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन को कंडेम करने के प्रोटेस्ट पार्टिसिपेशन से जुड़ी थी, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने क्लेम किया कि सताई और नाम तमिलकर कांची पार्टी के दूसरे मेंबर्स कोविड नॉर्म्स को वायलेट करते हुए गैदर हुए, इसके बावजूद कि उनके प्रोटेस्ट स्टेज करने की परमिशन डिनाई कर दी गई थी। इस गैदरिंग के दौरान सताई ने कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे और कंप्लेनेंट अ मेंबर ऑफ द डीएमके ने इस स्पीच को यूट्यूब चैनल कोर्ट रवाना में देखा था, और दूसरी एफआईआर थी इन विच सताई एंड अदर्स स्पीकिंग फ्यूरियसली एंड डिमांडिंग रिलीज ऑफ सर्टेन पर्संस इन कस्टडी। मुकुल रोहतगी के ये पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस अबे एस ओक एंड उजर भुयान के सामने रखने के बाद जस्टिस ओक ने ऑब्जर्व किया और उनसे पूछा, इफ बिफोर इलेक्शंस वी स्टार्ट पुटिंग बिहाइंड बार्स एवरीवन हु मेक्स एलिगेशंस ऑन यूट्यूब, इमेजिन हाउ मेनी विल बी जेल्ड। लेकिन फिर भी मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को समझाने की कोशिश की कि उनके कहे स्टेटमेंट स्कैंडलस थे और उनपे कंडीशन इम्पोज की जानी चाहिए, जिसपे बेंच कन्विंस नहीं दिखी। और जस्टिस ओक ने रोहतगी से पूछा, ये कौन डिसाइड करेगा कि स्टेटमेंट स्कैंडलस है या नहीं? सभी बातों को ध्यान से सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बेल ऑर्डर्स को रिस्टोर कर दिया और हेल्ड किया दैट वी डोंट थिंक दैट बाय प्रोटेस्टिंग एंड बाय एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज इट कैन बी सेड दैट द अपेलेंट हैज मिसयूज्ड द लिबर्टी ग्रांटेड टू हिम बाय दिस कोर्ट। इवन अदरवाइज वी आर ऑफ द व्यू दैट द ग्राउंड्स मेंशन इन द इम्प्यून ऑर्डर कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। सिर्फ यही नहीं, कोर्ट ने ये भी माना कि सताई ने अपनी लिबर्टी का मिसयूज नहीं किया था। द ऑर्डर स्टेटेड दिस कोर्ट कंटिन्यूड इंटरिम बेल अर्लियर, he continues to be on bail for 2.5 years. On the same, we do not find grounds to cancel bail. We thus quash the High Court order cancelling bail
and restore the earlier order granting bail. Needless to say, cancellation of bail can be applied for if deemed fit. Matter को close करने से पहले bench ने ये भी clarify कर दिया कि state open है फिर से court को approach करने के लिए for cancellation of bail अगर सताई दी गई liberty को misuse करते हैं तो. जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक यूट्यूबर की फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करते हुए उन्हें बेल ग्रांट की. लेकिन क्या आप ऐसे ही प्रीवियस केसेस को रिकॉल कर पा रहे हैं जहां पर यूट्यूबर्स को अपने कहे स्टेटमेंट्स के लिए बहुत मुश्किल समय काटना पड़ा था. इस लिस्ट में सबसे फेमस है यूट्यूबर मनीष कश्यप. उन्हें 9 महीने तक जेल में रखा गया क्योंकि उन्होंने एरिजली एक फेक वीडियो बनाया और शेयर किया ऑफ बिहार माइग्रेंट्स बीइंग हैरेस्ट इन तमिलनाडु. अपने रिलीज के बाद कश्यप को मीडिया से बात करते हुए सुना गया जिसमें उन्होंने कहा था, आई हैड रेज इश्यूज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन एंड हैड नथिंग टू डू विद दोस पर्पोर्टेड वीडियोस. आई वाज मलाइन बाय द मीडिया एज वेल बट आई हैड फुल फेथ इन द जुडिशरी. इस केस से भी सबक ना लेते हुए हमने कई और यूट्यूबर्स को भी ऐसे ही केसेस में फंसते हुए देखा है. हैरानी तो तब हुई जब दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही एक केस में फंसे नजर आए. जी हाँ, आपने सही सुना. यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बीजेपी आईटी सेल को क्रिटिसाइज करते हुए एक वीडियो बनाया था और उसे अपने चैनल पर अपलोड किया था. ध्रुव राठी ड्रू पैरेलल्स बिटवीन इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया अलोंगसाइड क्वेश्चनिंग द फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन. ही इनिशिएटेड द वीडियो बाय पॉन्डरिंग वेदर डेमोक्रेसी हैज सीज्ड इन आवर नेशन. अ कंट्रोवर्सी हैज इरप्टेड ओवर द वीडियो अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. जिसके बाद दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी उस वीडियो को रीट्वीट कर दिया और उसके बाद उनपे एक डिफामेशन केस फाइल हो गया. इस कंप्लेंट में कहा गया कि इस वीडियो में फॉल्स और डिफामेटरी एलिगेशंस हैं. मैटर इस हद तक एस्केलेट हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था. यहां तक कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर को राठी की वीडियो को रीट्वीट करने के लिए माफी तक मांगनी पड़ी थी. एक हियरिंग के दौरान केजरीवाल एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट स्टेटिंग, आई मेड अ मिस्टेक बाय रीट्वीटिंग. तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसे आजकल फ्री स्पीच में कुछ भी कहा नहीं जा सकता और ऐसे करने पर स्ट्रिक्ट केसेस का सामना भी करना पड़ सकता है. जहां एक और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब कोर्ट्स उनमें सख्ती से पेश आती है और डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करने वाले को सख्त सजा देती है, वहीं कुछ केसेस में उन्होंने उल्टा कंप्लेनेंट को ही डांट लगाई है और देश में फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन की इम्पोर्टेंस का पाठ पढ़ाया है. दैट मीन्स दो वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज ओपनली, वी नीड टू कीप अ चेक ऑन व्हाट आवर वर्ड्स आर, कहीं वो डिफेमेशन ना बन जाए. तो आने वाले इलेक्शन पर नजरें बनाए रखिए, अपने व्यूज देते रहिए बट विथ अ बैलेंस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज एंड अपडेट्स.